अम्बाह बीजेपी से विधायक कमलेश जाटव पर फिर एक बार बीजेपी ने भरोसा जताया है और पार्टी ने दूसरी बार टिकट दिया है। पार्टी का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि मैं वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगा और मुझे जनता पर विश्वास है कि 3 तारीख को बंपर वोटों से हम जीतेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरा कोई विरोध नहीं हुआ है, मेरी विधानसभा में खूब कार्यक्रम हुए और मेरा कोई विरोध नहीं हुआ। वहीं सिंधिया गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम किसी गुट से नहीं आते हैं, हम तो बीजेपी से आते हैं और बीजेपी एक ऐसा दल है जिसके नीचे जो आ जाता है वह कमल के फूल के नीचे कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसमें कोई गुटबाजी नहीं होती, इसमें छोटा सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन सकता है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ पर उन्हें एक बार फिर भरोसा जताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दो दो बार मुझ पर भरोसा उन्होंने जताया और आज मैं विकास को लेकर उनके बीच में पुनः फिर जाऊँगा और मुझे जनता पर पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बम्पर वोटों से जीत होगी, कम से कम 30 और 35 हज़ार के बीच में जाएगी। तो इस वजह से मुझे पूर्ण अपनी जनता पर भरोसा है, विकास को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा उससे मेरी जीत होगी, या मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जनता के बीच में मेन मुद्दा मेरा विकास है, जो 3 साल के कार्यकाल में मैं उनके विकास जो कराया है उसको लेके जाऊंगा और उसके बाद में मैं उनके दुख सुख में साथ रहा हूं उसको लेके जाऊंगा। जो भी मेरा है, मेरा एक परिवार और घर के साथ संबंध मैंने बना के रखाया है, जनता और मेरे बीच में ऐसा कोई MLA और जनता के बीच का कोई रूप नहीं है। मैं जिस गांव में घर में जाता हूं अपने परिवार की तरह जाता हूं और परिवार की तरह मैं मिलता हूं, उनके साथ रहता हूं, उनके साथ बैठता हूं, इसी को लेके मैं जनता के बीच में जाऊंगा। एक उनकी सेवा करने का एक दायित्व रहता है, इससे प्रशासन में थोड़ी मदद करने में उनसे मदद मिलती है, इस वजह से मैं MLA के रूप में मुझे वो देखना चाहते हो, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।